स्वागत है आपका हिलसिन ब्लॉग में। और हमारे खेत ओडिशा 30 किलोमीटर दूर थामड़ा गांव में गढ़वाली मूवी के शूटिंग के लिए। तो ये हमारी यूनिट है। कैमरा प्लस लाइक में हरी बोल हरी बोल। हमारी यूनिट बहुत बड़ी है। ये हमारे बहादुर भाई जो हमारा सामान शिफ्ट करते हैं। हेलो बोल दो बहादुर भाई। हेलो। घर काफ़ी टूटे फूटे हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। ये हमारे दूसरे बहादुर, शूट के हिसाब से लोकेशन मिल गई और यूनिट से मिलाते हैं अभी आपको। एयरपोर्ट लेके आ रहे हैं हमारे बहादुर भाई और ये दुर्गेश भाई हमारे कैमरे के साथ हैं। जो ये हमारे प्रोडक्शन डायरेक्टर जोशी सर और ये हम जिस घर में आए हुए बहुत अच्छे लोग हैं, जिनका खाना भी यहीं हो रहा है हमारा। और ये पुरानी तिवारी और ये हमारे हरी बोल और ये हमारे कैमरा मैन सर हैं। ये हमारे साउंड मैन गुंगा बहरा ये हमारे डायरेक्टर सर। सर आपका पूरा नाम क्या है? हरीश। हरीश भोसले। अच्छा ऐसा भोसले के भाई बॉडी हैं, बहुत हेल्प कर रही है हमारे साथ। ये बॉडी का ही घर है, ऐसे घर बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। ज़्यादा कर देता हूँ ना कैसे बनाता हूँ ना, बहुत मुश्किल होता है इनको बनाना। और ये हमारे लेंस हैं, यहाँ पे सबसे महंगा डिपार्टमेंट सफाई चल रही है लेंस की और कैमरे की भी। और वहाँ पे मेकअप चल रहा है। ओ सॉरी मेकअप दादा। यहाँ बहुत सारी गाड़ी हैं। भैया आपका नाम क्या है? अनिल। ये अनिल भैया हैं हमारे पुछर बने हैं आज। ये काफ़ी लोग आ गए हैं आर्टिस्ट आना बाकी हैं। ये हमारे राकेश शर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा भी है सर कुछ आज डायलॉग अभी कुछ डायलॉग। अच्छा अच्छा मोन्टाज कुछ इनके भी नाम डायलॉग कर ही नहीं पाते हैं। उनसे एक बार पूछ लीजिए। अभी ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो काफ़ी दिन बाद ऐसा घर देखने के लिए मिला है। यहाँ रहते हैं वही लोग। मुझे तो लगा पूजा का घर है, यहीं पे है लोकेशन अभी। ऐसे हमारा भी है गांव में। ये नया होगा आपका? हाँ मतलब पुराना ही है हमारा भी, बहुत पुराना हमारा भी, पर हमने वो हटा दिए जो थे ना खंबा। हाँ जैसे ऊपर है यहाँ पे। आपने आप पुछर बनोगे? आपने देखा डायलॉग वगैरह कुछ? मैं साधारण है। सही है, बोलते रहते हैं ना चार पांच परिवार तो उनसे थोड़ा सीख लेते। अच्छा अच्छा। एक बार गया था मैं पुछर के पास, उस टाइम पर उन पर देवता आया और उन्होंने तब बोला कुछ पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। 4 बजे के उठे हुए सबके सब। अभी पूजा होगी, शुभारंभ करेंगे हम। वक्ररुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मौर्या महादेव। ये हमारे मेकअप दादा हैं, इन्होंने मेरे को भी एकदम गोरा बना दिया। हर आदमी का काम बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये भयंकर, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और कितनी अच्छी कलाकारी करी हुई है इस पर। ये कौन सी लकड़ी का है भाई? और कितनी अच्छी कलाकारी, कितना साल पुराना हो गए? ज़्यादा ही होगा ना, पूरा लकड़ी का है। अभी नाश्ता करेंगे हम। कैमरे से दूर रखो उनको। आज तो संडे है तो पूरा लॉकडाउन है, हर जगह दुकानें बंद हैं, मार्केट पूरा बंद है। आज नाश्ते में हम ब्रेड चाय ब्रेड खाएंगे और कुछ नहीं। ओए अरे माता जी, जूता उधर ही खोल लीजिएगा, वो रूम में शूटिंग है। हाँ हाँ वहाँ देवता का है ना, केवल आपको इधर से शायद लेना पड़ेगा। जूता निकाल के जाना है, देवता का कमरा है। ये हमारे लाइटमैन भाई। चल निकल। ये वो बंदा है, इसका पारा हमेशा गर्म रहता है। चूड़ा खिलाते हो क्या इसको चप्पल को? तो आपने तो दिए पन्नी, चूड़ा वाली पोहे वाली पन्नी दे दी आपने यार। ताना और का भाई क्या है? आगा मुंह डालता रे। हमारे विनय भाई हैं, यहाँ पे दाना हो गया मेरे। अभी बोल रहे कि किसी ने काटा है यार। ये ड्रामा वीडियो वाले को मैं करता नहीं भाई, बड़ी लाइव लू में कभी नहीं आता। लाइव नहीं जा रहा भाई, वीडियो हो गया। हाँ भाई पहुँच गया।
तो आज मैगी बन रही है, यहाँ बनेगी शायद मैगी जहाँ हमेशा खाना बनता है, जिनका खाना भी यहीं पे बनता है। आज तो गुरुजी, ये हमारे भरतदादा हैं। आज कितनी मैगी है पता नहीं, डेढ़ है बस, कम है आदमी के हिसाब से। आदमी से थोड़ा ज़्यादा ला देना। तूने नहीं खाना वरना? क्यों नहीं खाना मैंने? मैं इन को नहीं खिला रहा, कम होएगा बल्कि ये तो कम होगा तो कौन बनाएगा? वो तो आदत कम पड़ गया उस टाइम इमीडिएट। हाँ, किसी के लिए होना चाहिए ना। ठीक है, बॉडी हर जगह हमारी मदद करती है। पर तो भैया पहले थोड़ा चीज डाल देना, चीज डाल देना, ठीक है थोड़ा सा। अरे धन्यवाद। ये हमारे डांस मास्टर सर दिनेश मोरे जी। किधर गया? किधर गया? सही लग रहे, प्रॉपर्टी तो वहीं छोड़ के आ गए। आंख लगाओ, फोटो खींचता हूँ आपकी। सही भगा दूंगा, मैं भाग जाऊँगा बस वहाँ से, दवाई के लेके जा रहा हूँ। अरे हमारे आर्टिस्ट हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। तो बताओ के सेट पे हम, मैं अरुण हिमेश, बृजमोहन शर्मा जी और मंजू बहुना जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं थमाड़ा गांव में कि यहाँ पे शूट हो रहा है, और ऐसे शूट हमेशा होते रहने चाहिए ताकि हमारे दर्शकों का भी मनोरंजन होता रहे। और धन्यवाद भाई बिरजू, इसमें सौरभ रावत बिजू का रोल कर रहे हैं इस बसों में। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, हिल्स कैन ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि भाई बिजू का चैनल और भाई सौरभ रावत का चैनल आगे बढ़े। और इसी के साथ में जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार। थैंक यू यार। नहीं करनी आज क्या, ये सीटी लगा रहे हो क्या मैगी पे? हाँ। यार कल खाया नहीं था। चिकन मैगी है क्या? आलू आलू तो सब मना कर रहे हो, उतने दिन से 10-15 दिन से आलू ही खिला रहे हैं, सबके पेट खराब हो गए, और मैगी में भी आलू डाल दिया आज। यार सर मजाक मत करो, आलू डाल रखा क्या इसमें? अच्छा वो कहा है फिर मैगी? मैगी कहीं और बन रही है, यहीं पे बन रही थी, कहाँ गई वो? एक एक मैगी 2 मिनट की है, तो 30 मैगी गुने गया तो 60 मिनट। चाय बन गई क्या? क्या पी रहे हैं? फीकी? हमारे यहाँ पता फीकी किसके लिए बोलते हैं ऐसे बिना दूध वाली? जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं मंजू मैम को, हमारी बीएड वाली फेमस एक्ट्रेस। नमस्कार आप सबको, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इसके चैनल पर बात कर रही हूँ, आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, और आप इसके लिए दुआएं कीजिए, इसके चैनल को आगे ले जाएं, इसके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह से भी आप सौरभ रावत की हेल्प कर सकते हैं आप करें, और मुझे उम्मीद है कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। थैंक यू मैम, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी मेरा कोई सीन हो। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू मैम। ये हमारे देव भाई भी आ गए हैं, मैगी और ब्रेड मिल रहा है। अबे भाई तेरे को नहीं बोला ना मैं, तो मैगी और ब्रेड है आज, क्योंकि यहाँ भाई यहाँ तुम्हारी नहीं बना रहा भाई जी, आपकी नहीं बना रहा मैं, गुस्सा मत हो। अब हमारे आर्टिस्ट आ गए हैं और एक शूट होगा अभी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बिहाइंड द सीन्स दिखा सकता हूँ बस। पैदल डालो, थोड़ा जोर से बोलो। अंदर शूट चल रहा है यहाँ पे, यूनिट के लोग हैं सारे। हमें कल जाना है डामटा, और ये हमारे बहुत मेहनती बहादुर भाई, ये डामटा से पैदल आ रखे हैं। चलो सही में पैदल आए क्या डामटा से? डामटा से पैदल आ रहा मैं 3 दिन में। 3 दिन में बाघ भी मिला रास्ते में? बाघ 400 किलोमीटर पैदल चल के आए, तभी तो बाघ जैसे बन रखे थे, बॉडी देखो। ये घर पे हमारा शूट चल रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तिबरी चीज है, यहाँ देखो यहाँ पे कितना बढ़िया डिजाइन है, गणेश भगवान जी बना रखे हैं। गुरु जी ये कितना पुराना होगा घर? 1943-44 1900। तो इसमें क्या बढ़िया बढ़िया कलाकारी हो रखी है। अब गोर बकरा रहते इसमें, तुम नहीं रहते अब? तो कहाँ है फिर? तो कहाँ है फिर? यहाँ नहीं है तो तुम ही जड़ा आए हो विलेज से? विलेज से आए हो क्या तुम? नौ खम्भे थे भाई, चौ खम्भे थे भाई, छः खम्भे थे भाई, बिजू आवे थे। ऊपर जा। हाँ
यहाँ ट्रॉली लग रही है अभी। चौक खम्बा तिवारी बोलते हैं इसको। सांस रोक के आना पड़ेगा। क्या नाम है इसका अब बताओ? शिवन्या। तेरे रो क्यों रही है? हमारे यहाँ तो लकड़ी की जमीन। हाँ, अरे वो हमारा भी जो एरिया है ना वो कुमाऊं से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें कुमाऊं की जैसी होती है। अब ये पत्थर के देखो, ये गाय बांधने के लिए पत्थर के बना रखे हर जगह। लकड़ी का तो मेरे को एक भी नहीं दिखा। ये देखो ये पत्थर का है, पर हमारे यहाँ पे लकड़ी के होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अलग है हमारे कल्चर से। ये सारे पत्थर के ही हैं। पत्थर के पता नहीं कैसे वो करते हो हैं सर, आपके यहाँ पत्थर के होते हैं कि लकड़ी के होते हैं पत्थर के? ये बहुत पुराना घर है। ये यहाँ देखो दरार पड़ गई इस पर। लाइट थर्माकोल लगाओ इसके ऊपर। बकरियां बंद कर रखी है ना। हम लास्ट शॉट देख के जाएंगे मैम का, उर्मी नेगी जी। जो मेरा एक शूट था वो अभी कैंसिल हो गया बारिश के कारण, वो हम डामटा में करेंगे। और अभी इस गांव से निकलेंगे थोड़ी देर में, एक लास्ट शॉट रह गया है। तो आज हमारा बॉडी में आखिरी दिन था, उसके बाद कल हम डामटा जाएंगे जो पौड़ी से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। प्राणों में दिखाने का नहीं चेहरा, वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हो। फिर यूट्यूब पर वीडियो बना दो ना। हाँ किरे ना डालो, लोग बोल दे कि डाल दे डाल दे यार, लोग बोल दे डाल डाल दे यार, तुम मन ना डाल। तेरा हाथ आ रहा बाहर कर, अंदर कर।